मेरा पासपोर्ट और टिकट, अब चलते हैं एयरपोर्ट। मुझे यहाँ पे दो बोर्डिंग पास मिला हुआ, क्योंकि हैंडबैग को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वजन करने में एयरपोर्ट पर। आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर जो आप जमजम का पानी ले जाना चाहें, 5 लीटर का बोतल मत ले जाइए। लगेज करते समय एक बात का ध्यान दीजिएगा। अभी फ्लाइट आया नहीं है लेकिन। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आज मेरा फ्लाइट है दोस्तों रियाद से दिल्ली और दिल्ली से गोरखपुर, और इंडिगो का फ्लाइट है। तो मैं आप सबको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये रहा मेरा पासपोर्ट और टिकट। रियाद एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है आज के टाइम पे 2024 में, और दिल्ली एयरपोर्ट और गोरखपुर एयरपोर्ट, ये सारी जानकारी तीनों एयरपोर्ट का आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अभी फिलहाल मैं रेडी हो रहा हूँ क्योंकि बस जस्ट 20 से 25 मिनट बाद हमें निकलना है। तो ऑलरेडी सारे लगेज वगैरह बन गए हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए। तो सबसे पहले मैं हैंडबैग वजन करूंगा, क्योंकि हैंडबैग को ज्यादा ध्यान दिया जाता है वजन करने में एयरपोर्ट पर। लगेज में 1-2 किलो चला भी जाता है, लेकिन हैंडबैग में अगर जो 1 से 1.5 किलो वजन ज्यादा रहता है तो उसे निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अंकल मेरा काफी हेल्प कर रहे हैं पैकिंग करने में। तो अभी सबसे पहले हैंडबैग को वजन किया, और अगर जो आप लैपटॉप ले जा रहे हैं तो वो बिल्कुल फ्री रहता है। तो हैंडबैग में मेरा 2 किलो वजन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं लेकर जा रहा हूँ। और यहाँ पर पूरी तरह से पैकिंग ख़त्म हो चुका है, और ये रहा मेरा लगेज, और ये रहा लैपटॉप, और वो रहा मेरा हैंडबैग। तो पूरी तरह से लगेज का पैकिंग हो गया। और यहाँ पर आप लोग को एक जानकारी दे दूँ कि अगर जो आप जमजम का पानी ले जाना चाहें, 5 लीटर का बोतल मत ले जाइएगा, क्योंकि वो ले जाने के लिए नहीं मिलता है। ले जाना चाहते तो 2 लीटर के बोतल में आप भर के हाथ में ले जा सकते हैं। तो पूरा लगेज हो गया मेरा, और ये रहा मेरा पासपोर्ट और टिकट, अब चलते हैं एयरपोर्ट। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी में पूरा लगेज रख दिया गया, और ये रहा पासपोर्ट और टिकट हाथ में लेके। और जब ये चेक पॉइंट नजर आता है तो ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट करीब में है, क्योंकि एयरपोर्ट वाले रोड पर ही ये चेक पॉइंट देखने के लिए आपको मिलता है। तो दिल धक धक पहले से होने लगता है कि एयरपोर्ट अब आने वाला है। तो फाइनली मैं और मेरा दोस्त जो कि मेरे यहाँ पे काम करता है, ये भी बंदा पाकिस्तान का रहने वाला है, मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया था। तो हम लोग अभी पहुँच गए एयरपोर्ट पर, लेकिन मैं एयरपोर्ट के ऊपर से अंदर नहीं जाने वाला हूँ। हम लोग को जाना है सबसे पहले पार्किंग एरिया में। तो यहाँ पर हम लोग ने बैग को नहीं उतारे, सीधा चले गए पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया में पार्किंग करके गाड़ी फिर हम लोग ऊपर गए। ऊपर थोड़ा भटकना पड़ा क्योंकि टर्मिनल 2 पे हम लोग को जाना था, इंडिगो की फ्लाइट टर्मिनल 2 पे लगने वाली थी। तो अभी लगेज के लिए लाइन में लग गया हूँ इंडिगो का, और देखते हैं कितना वजन ज़्यादा है, लगेज में जाने देते हैं कुछ कि नहीं। वैसे ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। इंडिगो का 3 लाइन लगा है, फर्स्ट ए सेकेंड एंड थर्ड, 3 लाइन लगा इंडिगो का। और अभी शुरू हो गया है काउंटर लगेज का, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नंबर भी आने वाला है। बस 3 बंदे और हैं मेरे सामने। लगेज करते समय एक बात का ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर लेडीज काउंटर हो वहीं पर जाएं, ताकि आपका 1-2 किलो वजन ज़्यादा हो तो वो पास कर दें। तो मेरा हैंड बैग में वजन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन जैसे तैसे किसी भी तरह से पास हो गया। तो मैं अभी वेटिंग एरिया में हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग वेटिंग कर रहे हैं। अभी भी 1 घंटा 25 मिनट तकरीबन है मेरे फ्लाइट में, और यहाँ से व्यू काफ़ी प्यारा दिख रहे हैं। यह है रियाद एयरपोर्ट, और यहाँ पे सब वेटिंग एरिया देख सकते हैं, सब लोग वेटिंग कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे 2 बोर्डिंग पास मिला हुआ है, यानी दिल्ली में मुझे बोर्डिंग पास नहीं कराना पड़ेगा। तो एक रियाद के लिए है और एक दिल्ली से गोरखपुर के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 2-2 बोर्डिंग पास हैं। तो सब कुछ हो गया, और लगेज भी निकल गया, हैंडबैग भी निकल गया, बस थोड़ा मेहनत करना पड़ा, वजन ज़्यादा था इसलिए, लेकिन कुछ निकालना नहीं पड़ा। और इस बोर्ड पे मैं अपना इंडिगो का फ्लाइट देख रहा हूँ कितने नंबर गेट पे, तो यहाँ पर 27 नंबर गेट दिखा रहा है कि 27 नंबर गेट पे इंडिगो का फ्लाइट। इंतजार करके दिमाग ख़राब हो जा रहा है, ऑलरेडी 25 मिनट हो चुका है, इंतज़ार कर करके थक गया, सोचा कुछ खा ही लूँ। वैसे भी यहाँ काफ़ी महंगा है दोस्तों। यहाँ पे सैंडविच 24 रियाल का एक दिखा रहा है, जो कि बाहर हम लोग को 3 रियाल 4 रियाल में मिल जाता है। चॉकलेट लेंगे तो इस तरह से 12 रियाल का। फ्लाइट के लिए वेटिंग एरिया में इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है, टाइम ही नहीं गुजरता है। टाइम पास कुछ खाने के लिए चिप्स लिया, जो कि ये चिप्स अपने इधर सिर्फ 1.5-2 रियाल का मिलता है, यहाँ पे 10 रियाल प्राइस है इसका, 10 रियाल। अब एयरपोर्ट है तो महंगा रहेगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल है इतना दाम। बैठे बैठे क्या करें,
इसी से टाइम पास कर लेते हैं। इंडिगो फ्लाइट में पहली बार ट्रैवल का एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ, क्योंकि रेगुलर सऊदी एयरलाइंस से आता भी हूँ और जाता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम इंडिगो एयरलाइंस में ट्रैवल करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या माहौल रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, आप तक शेयर करूँगा। और अभी फ्लाइट में जाने का टाइम हो गया, पहले था 27 नंबर गेट से और अभी अनाउंस कर दिया गया 24 नंबर गेट से, तो वहाँ से भाग के आना पड़ा यहाँ। अभी लाइन लग गया फ्लाइट के अंदर जाने के लिए। अभी फ्लाइट आया नहीं, लेकिन फ्लाइट के लिए गलियों में भेज दिया गया है। और अब फाइनली फ्लाइट के अंदर पहुंच गया हूं। यहां पे बताया जा रहा है कि आप अपना सेफ्टी किस तरह से कर सकते हैं, जो कि हर फ्लाइट में बताया जाता है। मैं सोचा मेरा विंडो सीट मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती से नहीं। अब फ्लाइट चलना चालू हुआ। दिल्ली से गोरखपुर का जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आने वाली अगली वीडियो में आप सबको देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे चैनल से जुड़े